अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। आई माई सेल्फ शेख सुमैया ऑन बिहाफ ऑफ SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल फ्रॉम स्टैंडर्ड सेकेंड विल गोइंग टू टीच यू टूडे इंग्लिश वन फ्रॉम चेरी बुक सेमिस्टर वन। ओके, टेक आउट योर पेज नंबर 35, वर्कशीट नंबर 1। Okay, today we will do this exercise. Listen it properly, okay? Answer the following questions. ये हम लोगों का revision है, बराबर है? हम लोगों ने आगे जो 4 chapters complete कर लिए, ये उसका revision है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार revise करवा देती हूँ। What is the treasure that the farmer has stacked up in the poem The Field Mouse? तो ये वाले क्वेश्चन आंसर्स जो है ये आप लोगों को नोटबुक में लिखने हैं एज यूजुअल, जैसे यहाँ पर टीचर ने लिखे हुए। देखो आंसर है, द ट्रेजर इज द ग्रेन दैट द फार्मर हैज़ स्टैक्ड इन द ग्रेन हाउस। यानी फार्मर ने जो ग्रेन हाउस में उसकी ग्रेन जमा करके रखी है वो उसके लिए उसका ट्रेजर है। व्हाट डज द फील्ड माउस लुक लाइक? फील्ड माउस कैसे दिखती है? द फील्ड माउस हैज़ अ सॉफ्ट ब्राउन कोट एंड राउंड आइज। फील्ड माउस की सॉफ्ट ब्राउन कोट यानी उसके जो फर है वो सॉफ्ट है और ब्राउन कलर के हैं और उसकी आइज जो है वो राउंड है। वाई डिड द जैकॉल गो टू द टाउन? जैकॉल टाउन में क्यों गया था? द जैकॉल वॉज फीलिंग सो ही वेंट टू द टाउन टू गेट लैम्ब और अ चिकन। फीलिंग हंग्री, यहाँ पर हम लिखेंगे hungry, feeling hungry. The jackal was feeling hungry, so he went to the town to get a lamb or a chicken. जैकॉल को भूख लग रही थी इसलिए वो lamb या तो chicken को ढूंढने के लिए town की तरफ गया था। Number 4, where was Sumit's bag finally found? Sumit की bag finally कहाँ से मिली? Sumit's bag was finally found in the playground behind the bushes. Playground में झाड़ियों के पीछे से सुमित की बैग मिली थी। What pet did Rupa want? रूपा को कौन सा पेट चाहिए था? रूपा wanted a pup. रूपा को पप चाहिए था। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। द फील्ड माउस हैज़ अ कोट ऑफ स्पाइनी फर। फॉल्स है ना, वो सॉफ्ट थे, बराबर है? स्पाइनी यानी जो नोकदार होते हैं ना तिन्ने, उसे कहते हैं स्पाइनी, पर उसके कैसे फर थे? सॉफ्ट थे, तो यहाँ पर फॉल्स। द फील्ड माउस शुड ईट द ग्रेन्स स्टैक्ड बाय द फार्मर। फॉल्स यानी कि फार्मर ने जो जमा किए हुए ग्रेन्स होते हैं क्या वो फील्ड माउस को खाने चाहिए? नो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। द ब्लू जैकॉल वॉज एक्सेप्टेड एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ट्रू, जब ब्लू जैकॉल वहाँ पर आया था जंगल में तो सबने उसको किंग मान लिया था, राइट? तो यहाँ पर ट्रू। सुमित वॉज अ क्वारलसम बॉय। क्वारलसम यानी झगड़ालू, तो सुमित जो है वो एक झगड़ालू बच्चा था। ट्रू। रूपा वॉन्टेड द पैरेट टू बी सेट फ्री। रूपा पैरेट को खुले आसमान में छोड़ना चाहती थी। ट्रू, राइट? यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ वर्कबुक में ही लिखना है। देखो टीचर ने लिख के बता हुआ है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू एंड ट्रू, उसकी जगह पर हम सिर्फ उसके इनिशियल्स लिखते हैं, राइट? चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ब्रैकेट्स में आप लोगों को ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है और ब्लैंक में लिखना है। आई डिड द वर्क माई सेल्फ या हिम सेल्फ? तो देखो आई के लिए हम माई सेल्फ का यूज़ करेंगे, ओके? ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस हिमसेल्फ। हिमसेल्फ लिखेंगे क्योंकि ही दिया हुआ है, हरसेल्फ शी के लिए आएगा। शीना फिनिश्ड कुकिंग हरसेल्फ। सीना लड़की का नाम है इसलिए हरसेल्फ हिमसेल्फ लड़कों के लिए होता है। दे प्लेड इन द पार्क देमसेल्व्स। आवरसेल्व्स जब हम साथ में हो ना, हम यानी वी, तो हम आवरसेल्व लिखेंगे, पर यहाँ पर दे है तो देमसेल्व्स। द कैट क्राइड इटसेल्फ। हॉर्स, अब कैट एक एनिमल है जिसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इट सेल्फ लिखेंगे, हॉर्स यानी लाउडली। ओके, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 36। यहाँ पर मेल और फीमेल बताना है हमको।
राइट मेल फॉर एम एंड फीमेल एफ फॉर द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स. जहाँ भी जो मेल है उसके लिए हम एम लिखेंगे और जो फीमेल है उसके लिए हम एफ लिखेंगे. मेल यानी कि जैसे मम्मी है, बहन है, सिस्टर है, लाइक, तो वहाँ पर हम फीमेल लिखेंगे, और फादर है, ब्रदर है, तो हम मेल लिखते हैं, बराबर. तो इसी तरह यहाँ पर कौन सा जेंडर है उसको हमको डिस्क्राइब करना है. पोएट मेल है तो एम, प्रिंस मेल तो एम, टाइगर मेल एम, सिस्टर फीमेल है एफ, क्वीन फीमेल होती है एफ, ग्रैंडफादर मेल एम, गर्ल फीमेल एफ, फादर मेल होते हैं एम, पीकॉक मेल एम, आंट फीमेल है तो एफ. ओके, नाउ अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि हमको उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है, कोई उसकी क्वालिटी मिलती है, अच्छी या बुरी कोई भी, तो उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं, लाइक एडजेक्टिव्स, तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे. नंबर वन, द बिग ग्रे एलिफेंट लव्ड पीनट्स. अभी यहाँ एलिफेंट को किस तरह डिस्क्राइब किया है कि वो बिग भी है और ग्रे कलर का भी है, बराबर है, साइज और कलर बताया है, तो ये उसकी क्वालिटी हुई, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे. आई गो टू स्कूल इन अ येल्लो वैन. वैन का कलर बताया हुआ है येल्लो, तो उसके नीचे अंडरलाइन. द म्यूजियम हैड ओल्ड थिंग्स. थिंग्स है, कैसी है, ओल्ड है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इसको अंडरलाइन करना है. We read an interesting story. Story कैसी है, interesting, मज़ेदार, तो इसके नीचे underline करेंगे. The cute baby laughed loudly. यहाँ पर cute के नीचे underline करेंगे. अब देखो ये loudly के नीचे हम underline नहीं करेंगे क्योंकि ये adjective नहीं है, describing word नहीं है, but ये adverb है, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, तो यहाँ पर सिर्फ cute के नीचे underline करेंगे, ठीक है. Write five sentences to describe how you celebrate your favorite festival. Use the following words in your sentences. हमको बताना है कि हमारा फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और उसके बारे में हमको कुछ five lines describe करना है, और ये जो नीचे हमको words दिए हैं इनको हमको हमारे sentences में use करना है, like new dresses, tasty food, friends, gifts and happy. Okay, so let's write. I buy new dresses for Christmas. यहाँ पर इसका फेवरेट फेस्टिवल है क्रिसमस, तो इसने क्रिसमस को डिस्क्राइब किया है. I buy new dresses for Christmas. Mother makes tasty food on every Christmas. On Christmas, I invite my friends to my house. Father brings gifts for us on Christmas. We feel very happy. And enjoy a lot with family and friends on Christmas. Okay, children? तो I hope यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. Even if any queries, you can ask me in my comment box or through WhatsApp. I will be glad to help you out. Take care, children. और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें. और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe it, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे. Bye-bye.